एक तरफ ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है तो दूसरी जानिब 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर मेट्रो बस सर्विस को महदूद करने का फैसला भी किया गया है। क्या तब्दीली की जा रही है ये जानते हैं शेख जैनुल आबदीन से। जैन आगाह कीजिएगा। 9वीं और 10वें मुहर्रम अलहराम के मौका पर मेट्रो बस सर्विस को महदूद करने का फैसला किया गया है और मुबैना तौर पर मेट्रो बस के रूट में तब्दीली कर दी गई है। इस सिलसिले में 9वें मुहर्रम पर मेट्रो सर्विस सुबह 12 बजे तक मुकम्मल इसकी शटल चलाई जाएगी, ताहम 9वें मुहर्रम पर दोपहर 12 से रात तक जो गजू मत्ता से एमयू कॉलेज तक सर्विस को महदूद कर दिया जाएगा। ताहम अशूरा के रोज गुज़िश्ता सालों में मेट्रो बस को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार मेट्रो बस को बंद ना करने का फैसला किया गया है मगर इसके रूट को महदूद कर दिया गया है। और 10वें मुहर्रम अलहराम को भी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मेट्रो बस गजू मत्ता से एमयू कॉलेज तक चलाई जाएगी। इस सिलसिले में जीएम ऑपरेशन मैस ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि 10वें मुहर्रम अलहराम को 35,000 से ज्यादा लोग इस का मुतवक्को है कि इस मेट्रो बस में सफर करेंगे, लिहाजा इसी बिना पर इस सर्विस को बंद ना करने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में दूसरी जानिब सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कानून नाफज करने वालों के साथ अदारों में राबते में भी हैं और अगर सिक्योरिटी खदशात ज्यादा लाहक होते हैं तो फिर इसको बंद करने का भी फैसला किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको बंद करने का हतमी फैसला नहीं किया गया, सिर्फ इसकी सर्विस को महदूद किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जैनुल आबेदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 10वें मुहर्रम पर बस गजुमता से एमयू कॉलेज तक जाएगी और 9वीं 10वें मुहर्रम पर मेट्रो बस सर्विस को महदूद करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है जो कि आज रात 12 बजे के बाद अप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे गजुमता से एमयू कॉलेज तक ये मेट्रो बस चलेगी।